नमस्कार दोस्तों, आप जय माता दी, जय मां भद्रकाली, जय मां कपालिनी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो में। वृश्चिक राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता भद्रकाली जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मां भद्रकाली जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आपको हमेशा खुशहाल रखें और संसार की वह सारी खुशियां दे, वह सारी सुख संपदा दे, ताकि आपका जीवन खुशहाल बना रहे। दोस्तों, ऊपर वाले का दो बांध आदेश आ चुका है, नसीब का खेल तो अब शुरू होगा। जी हां, पूरा घर परिवार और गली मोहल्ला खुश हो जाएगा। जी हां, क्योंकि अब आपकी राशि वालों की कुंडली में तरक्की के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, अब आपकी राशि वालों के जीवन में खुशियों का मेला लगने वाला है, अब बधाई देने वालों का लाइन लगेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, सर्वव्यापी भगवान ब्रह्मा जी ने कर दिया है बहुत ही बड़ा ऐलान, जो कि अगले दो दिनों में पूरे 11 लाख की संपत्ति आपको मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड के सर्वव्यापी भगवान ब्रह्मा जी ने पूरे 11 लाख की संपत्ति आपका नाम कर दी। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा जी का आदेश कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी बहुत ही सोच समझ कर फैसला लेते हैं और जब एक बार फैसला ले लेते हैं तो उसे कोई बदल नहीं सकता। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, सर्वव्यापी भगवान ब्रह्मा जी ने कर दिया बहुत ही बड़ा चमत्कार। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा चमत्कार अगले दो दिनों के भीतर आपके जीवन में होगा। जी हां, जिसे देखने के बाद आप अपना होश हवास खो बैठोगे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी आपके घर पर अपना डेरा जमाने वाले हैं, जिससे कि आपके घर के अगल बगल दूर दूर तक कोई भी नकारात्मक शक्ति भटकने नहीं पाएगा। जी हां, अब आपके घर में और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके जीवन में सिर्फ सकारात्मक सोच विचार आएगा। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भगवान ब्रह्मा जी ने आपके घर पर बहुत ही लंबे समय से डेरा जमा चुके हैं और अब आपको हर एक प्रकार के संकटों से रक्षा करने वाले हैं, आपको हर एक प्रकार के मुसीबत से बचाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भगवान का शुभ कदम पड़ते ही घर में सुख शांति आने लगता है और उनके घर के जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर होने लगते हैं। जी हां, अब आपके घर में हर रोज एक नया चमत्कार होगा और आपको हर एक परिस्थिति में, हर एक बुरे समय में, हर एक संकट में यह दिव्य शक्ति का साथ मिलेगा। अब आपका वह सपना पूरा होगा, जो सपना आप काफी लंबे समय से देखते आ रहे थे और सोच सोच कर परेशान हो चुके थे। आप कहते थे कि हे भगवान, हे ईश्वर, ऐसा समय हमारे जीवन में कब आएगा, हमारे यह सपने कब पूरे होंगे। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जागने वाली है और आपका हर एक कार्य पूरा होगा। जी हां, बता दे कि आपका हर एक मुश्किल से मुश्किल कार्य चुटकियों में बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको भगवान के दिए गए संकेतों को समझना होगा, भगवान के इशारों पर चलना होगा, लेकिन चलना इतना आसान नहीं है। मानता हूं भगवान के इशारों पर चलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन परिणाम भी बहुत जबरदस्त मिलेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं, जो इंसान मेरे सामने झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो मेरे इशारों पर चलता है और मुझ पर विश्वास करके सब कुछ निछावर कर देता है, वह मुझे अच्छा लगता है। जी हां दोस्तों, भगवान का हाथ पकड़कर रखो, दुनिया में किसी की पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को आप बिल्कुल ही अकेले में किसी शांत जगह बैठकर देखिएगा और आपको कहीं पर भी ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, वरना ये लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जय हो ब्रह्मदेव जी जरूर लिखें। चलिए अब जानते हैं कि इन दिनों आपको कौन कौन से लाभ मिलने वाला है। आपके घर में भगवान ब्रह्मा जी डेरा डाले हैं तो कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कौन कौन से उपकार होगा, सभी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। दोस्तों, पूरे 7 लाख लॉटरी की लगने वाली है। जी हां, इसलिए सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो,
क्योंकि समय बहुत कम है और खुशखबरी बहुत बड़ी है। जितना जल्दी हो सके आप इस शुभ समय का लाभ उठा लो। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि प्रभु की महिमा महान है। धन्य हो प्रभु, आप और आपकी लीला प्रभु। ऐसे ही आप चमत्कार पर चमत्कार करते रहना और सभी के जीवन में अपनी प्यार बरसाते रहना। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अब हम आपको कुछ ऐसी खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपकी रातों की नींद के चयन, भूख, प्यास सब गायब हो जाएंगे और आपकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ेंगे। जी हाँ, आपके दोनों आंखों से खुशी की आंसू छलकेंगे। ऐसी खुशखबरी अब आपको अपने जीवन में प्राप्त होने वाला है। अब आप अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाओ और नए सिरे से अपने जीवन जीने की शुरुआत कर लो, क्योंकि देवों के देव साक्षात भगवान महादेव जी आपको इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं कि आप एकदम से मालामाल ही हो जाओगे। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी कुंडली में सूर्य और बुध युति बनाकर एक साथ बैठे हैं, जिनके कारण आपके लिए बड़े बड़े लाभ के योग बना रहे हैं। बता दें, गुरु और चंद्रमा की स्थिति काफी अच्छी है और यह दोनों आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका भाग्य चमकेगी, आपकी किस्मत बदलेगी। और जब किस्मत बदलेगी तो जिंदगी बदलने में ही वक्त नहीं लगता है, यह बात आप सभी को पता ही है। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सूर्य और चंद्रमा दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे कि अब आप सभी का अच्छा दिन आने वाला है, क्योंकि इन दोनों ईश्वर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं जिससे आप धन से मालामाल हो जाओगे। जी हां, एक प्रकार से यूं कहें तो आप अमीर बन जाओगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जिस सपनों के लिए आप लंबे समय से मेहनत करते आ रही थी, जिन चीजों के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, वह सभी चीजें अब पूर्ण होने वाली हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इन सभी बातों को आप मजाक में या फिर हल्के में लेने की गलती मत करना, वरना आपकी जिंदगी मजाक बनकर रह जाएगी और यह सुनहरा मौका आपके यहां भी चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं यह सुनहरा मौका आपके हाथ से न जाए, आपको इन सभी चीजों का लाभ मिल सके, तो आप वीडियो को बस अंत तक देखते रहे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सटीक जानकारी देने वाले हैं। इन जानकारियों को प्राप्त करके आप आज अपने जीवन में होने वाले सभी घटनाओं के लिए तैयार रह सकते हैं और इन सभी से आप लाभ उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। बस आप अपना थोड़ा सा समय देकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा लगा दें। इससे माता रानी के साथ साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद आप व आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, अब आपके सफलता के डंके चारों ओर बजने वाले हैं और आपके ही नाम का शोर शराबा सब जगह आपका ही चर्चा होगा। जी हां, क्योंकि खुशखबरी ही कुछ ऐसी है, यह खुशखबरी आज तक किसी को नहीं मिला होगा। भगवान की विशेष कृपा है जो आपको भगवान ने इतनी बड़ी खुशखबरी दिया है। आप दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान है और आपसे भी बड़ा खुशनसीब इंसान आपके घर का परिवार है, जो कि उन सभी के सहयोग से, उन सभी के सपोर्ट से आपके घर में इतनी बड़ी खुशखबरी दस्तक दे रही है। कहीं जाने अनजाने में या फिर गलती से यह खुशखबरी आपके हाथ से चला ना जाए, इसलिए हर एक बातों को, हर एक पॉइंट को एकदम ध्यान से सुना किसी सुनसान या एकांत जगह में बैठकर कि यह समय से आपके जीवन में कौन सा बड़ा धमाका होगा और कौन सी खुशखबरी मिलेगी जिससे आप उछल कूद कर नाचोगे। वीडियो बहुत ही खास है, इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के आखिरी समय में हम एक उपाय भी बताएंगे। तो कुल मिलाकर आज की वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस समय आपके भाग्य में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, जिससे आपके जीवन में कोई नया बड़ा चीज दस्तक देगी। आज पूरी संभावना है कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है या फिर आप किसी बड़ी चीज की खरीदारी कर सकते हैं। जी हां, और यह सपना आपका बहुत लंबे समय से था, उस सपने को आज आप पूरा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, भगवान की विशेष कृपा है जो कि वह समय आपके जीवन में आ चुका है। आप व आपके परिवार में किसी को कोई बड़ा सरप्राइज भेंट के रूप में मिलने वाला है। आपकी पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। अगर कोई चिंता आप
या फिर आपकी कोई परिवार में लंबे समय से थी, तो वह समस्या भी आप सभी के जीवन से दूर होते दिखाई देंगे और वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों के जीवन में पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन कोई नई समस्या दस्तक देने की संभावना बन रही है। रोजी रोजगार अच्छा चलेगा, सेहत में सुधार देखने को मिलेगा, एक दूसरे से मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। बातचीत करते समय अपने वाणी पर ध्यान दें और अपने आप पर कंट्रोल रखें। अभी भाग्य उदय का समय चल रहा है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि आपके जीवन में बहुत सारा सुख लिखा है, बहुत सारा धन दौलत लिखा है, लेकिन आपको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। लो, अब प्रभु अमरनाथ जी ने आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। जी हां, देख लो आपके जीवन में कौन कौन से सुख लिखा है और कौन कौन से सुख आपको मिलने वाला है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भगवान एक मौका सबको देता है अमीर बनने का, धरती से आसमान छूने का। जी हां दोस्तों, आपको बहुत ही बड़ा शुभ संकेत मिलने वाला है, यानी कि एक प्रकार से यूं कहें तो स्वर्ग का सुख मिलने वाला है। जी हां, इसलिए आज की वीडियो को बिल्कुल ही अंत तक देखिएगा और चुपचाप ही देखिएगा, किसी को भी मत दिखाना और ना ही इस राज के बारे में किसी को बताना, क्योंकि बहुत सारा पैसा आपको मिलने वाला है जिससे आने वाला आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। लेकिन हां, आपको कुछ उपाय करना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। कौन सा उपाय करना है यह भी हम आपको वीडियो में ही बताएंगे। बिना उपाय के आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। दोस्तों, आपने तो वीडियो बहुत देखा होगा, लेकिन अब जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, इसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप अपने जीवन में कभी भी परेशान होगी या अपनी समस्या का समाधान ढूंढने और कहीं जाओगे, क्योंकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान बाबा अमरनाथ जी देंगे और आपकी परेशानियां, आपकी दुख तकलीफ भी वहीं दूर करेंगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, बाबा अमरनाथ जी के आशीर्वाद से अब आपको अपने जीवन में कई बड़े लाभ होता दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, पिछले समय से आप अपनी जिंदगी को गरीबी में जीते आ रहे हैं और अभी भी गरीबी में ही जी रहे हैं। आखिरकार इस गरीबी से पीछा कब छूटेगा, आप गरीब भरी जिंदगी से बाहर कब निकलेंगे, यह आपको बताएगा बाबा अमरनाथ जी। जी हां दोस्तों, सभी चीजों को विस्तार से बताएंगे। वीडियो में आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जय हो बाबा अमरनाथ जी सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से लिखिएगा। बाबा अमरनाथ जी आपको भी हमेशा के लिए अमर कर देंगे और आपकी झोली में ऐसी खुशियां डाल देंगे जिसे आप अगले 100 वर्षों तक याद रखोगे। जी हां, तो प्रेम से बोलिए जय हो बाबा अमरनाथ जी। दोस्तों, बाबा अमरनाथ जी ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं जो कि थोड़ी सी भक्ति से ही खुश हो जाते हैं। भगवान अमरनाथ जी को खुश करने के लिए आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर में ही अच्छे से नहा धोकर एक लोटा जल लेकर उन्हें चढ़ा दोगे तो भी वह खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जी हां बाबा अमरनाथ जी का आशीर्वाद जिनके ऊपर एक बार भी पड़ जाता है तो उनकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी, दुख दर्द, तकलीफ, समस्या, दुश्मनों से छुटकारा, टोना टोटका, तांत्रिक क्रियाएं, वह अन्य सभी उनके जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाता है। जी, और अगर आप अपने घर में कभी कभी बीच बीच में शिव चालीसा का पाठ कर लें या फिर किसी पंडित जी से करा लें तो दोस्तों सोने पर सुहागा हो जाएगा। जी हां, क्योंकि शिव चालीसा करने से बाबा अमरनाथ की अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और ऐसे जातकों के ऊपर अपना सब कुछ, धन दौलत, गाड़ी, बांग्ला, घर द्वार निछावर कर देते हैं। जी हां दोस्तों, बाबा अमरनाथ जी का चमत्कार और आशीर्वाद आपकी कुंडली पर पड़ चुका है जिससे आपके जीवन में तरह तरह के बदलाव होंगे, लेकिन सभी बदलाव आपके लिए लाभकारी नहीं होंगे। इसके ऊपर भी ध्यान रखना, वीडियो बहुत ही खास है, ग्रह गोचर के आधार पर निर्माण हुआ है। दोस्तों, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती नजर आएगी, क्योंकि पूरे 15 साल बाद जाकर पुनः आपकी कुंडली में एक बहुत ही बड़े महासंयोग का निर्माण होता दिखाई दे रही है। जी हां मेरे प्यार मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि इस समय धन प्राप्ति के, धन आगमन के 3 बड़े शुभ संकेत आपको मिलने वाला है जिससे अब आपको सभी क्षेत्रों में लाभ ही लाभ होता दिखाई देगा। चाहे वो कैसा भी क्षेत्र हो, बिजनेस व्यापार का क्षेत्र हो, नौकरी को लेकर हो, रोजी रोजगार को लेकर हो, लाभ लाइफ को लेकर हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र, आपको इस समय सभी क्षेत्रों में लाभ होता दिखाई दे रहा है।
बस आपको इस कीमती समय का लाभ उठाने आना चाहिए। जी हाँ, और लाभ आप तभी उठा पाओगे जब आप वीडियो को अंत तक देखोगे और सभी अवसरों के लिए तैयार रहोगे, वरना यह मौका आपके हाथ से जा सकता है। इसलिए मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, किस्मत भले मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। जी हाँ, इस खूबसूरत समय में आप जो भी चीज करना चाहोगे वो सब कर सकते हो। अगर इस समय आपकी कोई इच्छा है तो वह इच्छा भी पूरी होगी। अगर किसी की नौकरी को लेकर इच्छा है तो उन्हें नौकरी मिलेगी, और अगर किसी की संतान सुख प्राप्ति की इच्छा है तो उन्हें संतान सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। जी हाँ, अगर आप पेड़ लगाए हैं तो पेड़ में पानी डालते रहे, फल की चिंता आप भगवान के ऊपर छोड़ दें। जब वह फल देने के लायक हो जाएगा तो फल आपको निश्चित ही मिलेगा। दोस्तों, बाबा अमरनाथ जी का आराधना आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई इंसान बाबा अमरनाथ जी का एक बार भी नाम ले लेता है तो उनके जीवन में संकट कभी आ ही नहीं सकता। जी हाँ, संकट, परेशानी, दुख, तकलीफ भगवान तभी देते हैं जब आपका इम्तिहान लिया जाता है। जब भगवान को आप पर संदेह होता है तभी भगवान यह परीक्षा लेते हैं। लेकिन चिंता ना करें, आपने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपको डर लगे। आप एक नेक इंसान हैं और यही अच्छाई का फायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं, और इस बात का भली भांति आपको पता है, लेकिन फिर भी आप चुप रहते हैं और आपकी यही अच्छाई आपको बड़ी बड़ी सफलता की ओर लेकर जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आप अपने जीवन में सभी गुणों को, सभी अच्छाई को बरकरार बने रखना। जीवन में आप ऐसे ही लगातार तरक्की पे तरक्की हासिल जाओगे। वीडियो सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है, इसलिए ज्यादा सोच विचार मत करो। जो भी हो रहा है वह सब आपके अच्छे के लिए, आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है, और भविष्य में भी जो भी होगा वह आपके अच्छे के लिए ही होगा। आप सिर्फ मेहनत करते रहें, ईश्वर आपको हर एक संकटों से बचाए रखेंगे, हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे और आपकी हर एक समस्याओं को सफल करेंगे। आप केवल ईश्वर पर भरोसा रखिए और जमकर मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलकर ही रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीचे वाला गद्दारी और बेईमानी कर सकता है, लेकिन ऊपर वाले कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करते हैं। इसलिए आप चिंता बिल्कुल भी ना करें और हर एक कार्य को मेहनत से करें। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी अच्छाई का वही खाता खुलने वाला है। जी हाँ, और सारा हिसाब किताब होने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊपर वाले ईश्वर ने आपकी किस्मत को बहुत ही अच्छा बना दिया है। जी हाँ, आपकी किस्मत को हीरे की तरह चमका दिया है। अब जरूरत है अपनी भाग्य का भरपूर लाभ उठाने की। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे पता है कि आपके जीवन में पैसों की बहुत दिक्कत है, पैसों की बहुत समस्या चल रही है, और पैसों के बिना आपके बहुत से कार्य रुके पड़े हैं। तो दोस्तों, हर एक इंसान के जीवन में पैसों की समस्या रहती है, लेकिन यह समस्या लंबे समय तक किसी के भी जीवन में नहीं रहता है। लेकिन आपके जीवन में इस समस्या काफी लंबे समय से ही चलती आ रही है। आप अपना की जान लगाकर एक समस्या का समाधान ढूंढकर निकलते हैं, तब तक दूसरी समस्याएं अपना मुंह उठाकर आपके जीवन में चली आती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में भी हम वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब आपके पुराने सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर कोई कर्ज है तो वह भी कर्ज आपके समाप्त होंगे और नए कार्यों में सफलता भी मिलेगी। लेकिन आपको ज्यादा टेंशन लेने से बचना होगा। जी हां, क्योंकि चिंता करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है, क्योंकि चिंता करने से समस्याएं और बढ़ जाती हैं। कहते हैं ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे, शरीर पाप किए से धन घटे, कह गए दास कबीर। इसलिए क्षमता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा धमाका होगा। जी हां, क्योंकि बहुत बड़ी धमाकेदार खुशखबरी आपको मिलने वाली है, क्योंकि अब अचानक से आपकी किस्मत सूर्य से भी तेज दौड़ने लगेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी खुशखबरी भर दिन और समय की शुरुआत हो चुकी है। अब हर एक रोज आपको अपने जीवन काल में बदलाव देखने को मिलेंगे, और हर एक रोज आपको नई नई बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जो कि दोस्तों आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। जी हां, और आप लोग बहुत जल्द मालामाल हो जाओगे दोस्तों।
एक भी प्रतिशत गलत नहीं कह रहा हूं, सभी बातें ग्रह गोचर के आधार पर बता रहा हूं, इसलिए 100% सत्य होने वाला है दोस्तों। 5, बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, पर यह खुशखबरी आपको अगली 24 घंटे के भीतर मिलने वाली है। समय बहुत ही कम है, आप अपने किस्मत को जल्दी से बदल लीजिए, क्योंकि विधाता आपको दोबारा ऐसा सुनहरा मौका नहीं देने वाले हैं। इसलिए हम जो बात इस वीडियो में बता रहे हैं, आप सभी बातों को एकदम ध्यान से सुनो, क्योंकि आपके जीवन में तो बदलाव होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा सभी चीजों में बदलाव होने वाले हैं। लेकिन एक गलतियां आप अपने जीवन काल में लगातार करते आ रहे हैं, आप खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं और चिंता करते हैं। जी हां, देखिए दोस्तों, यह जीवन आपका है और आपको जो अच्छा लगता है आप वही करिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसलिए लोगों के बारे में चिंता और परवाह करना छोड़ दीजिए। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा राधे राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आगे आने वाली समय अवधि में काफी बड़ी सफलता हासिल करोगे और कई सुनहरे अवसर भी आपको मिलने वाले हैं, और जिनके माध्यम से आप अपने जीवन में काफी बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें मेरे प्यारे मित्रों, आगे आने वाले समय आपके लिए काफी बेहतरीन रहने वाला होगा। आपकी आर्थिक जीवन में निश्चित रूप से सुधार देखने को मिलेंगे। धन आगमन की अच्छी खासी संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि घर परिवार में कलह क्लेश भी समाप्त होगी। देखिए दोस्तों, यदि हम पिछले समय अवधि की बात करें तो दोस्तों, बीती दिनों में आप अपने जीवन में उतार और चढ़ाव वाली स्थिति सामना कर रहे थे, और कई जगह में आपके काफी अच्छी खुशियां थी तो कई जगह में आपको भारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। वही हम आपको बता दें मेरे प्यारे मित्रों, पिछले समय अवधि में आपने यह भी देखा है कि परिवार वाले आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं, आपके अपने ही कुछ आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आप उनसे चाहते कुछ और हैं लेकिन मिलता कुछ और है। इसके साथ ही पिछले समय अवधि में देखने को यह भी मिला है कि आर्थिक समस्याएं भी बनी रही हैं। बहुत सारे इस राशि के जातकों के जीवन में लोन कर्ज लेने की नौबत तक आ गई है, लेकिन आप फिर भी बहुत अच्छे हैं, उन लोगों से आपकी जिंदगी काफी बेहतर है। परेशानियां और उतार चढ़ाव तो यूं ही बनी रहेगी, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि दुख तकलीफ परेशानियां आपको कमजोर नहीं बल्कि आपको और ज्यादा मजबूत करने के लिए आती है। जी हां, क्योंकि दुख दर्द परेशानी जितना आपके जीवन में आएगा आप उतना मजबूत इंसान बनोगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले से काफी बेहतर जिंदगी अब आपकी जिंदगी हो गई है। मानसिक रूप से पिछले समय अवधि में उलझन का सामना जरूर करना पड़ा है और वही कार्य का दबाव भी आपके ऊपर बना हुआ है। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती से भरा रहेगा। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए सुबह की अच्छी शुरुआत आवश्यक है। मेडिटेशन, वर्कआउट या अपनी पसंदीदा एक्टिविटी के लिए थोड़ा समय निकालें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, काम के साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना आपके रिश्तों को और मजबूत बनाता है। साथ मिलकर गेम खेलें, मूवी देखें या आउटिंग पर जाएं। सकारात्मक सोच और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। कोशिश करें कि अपनी दिनचर्या में कुछ नई गतिविधियां शामिल करें जो आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर ताजगी दें। अपने साथी की पसंद नापसंद का ध्यान रखें। किसी खास मौके के बिना भी उन्हें सरप्राइज दें ताकि वो महसूस कर सकें कि उनका महत्व आपके जीवन में कितना है। चाहे वो एक छोटे से ग्रीटिंग कार्ड हो या उनकी पसंदीदा किताब, उपहार का मतलब कीमत से नहीं बल्कि भावना से होता है। सरप्राइज गिफ्ट्स रिश्ते में नई ताजगी भरते हैं। यह आपके साथी के साथ आपकी भावनात्मक जुड़ाव को और भी गहरा कर सकते हैं। हर व्यापार में प्रतिस्पर्धा होती है, अपनी प्रतिस्पर्धा का सम्मान करें लेकिन अपने लक्ष्यों से विचलित ना हो। कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक तरीके से इसका सामना करें। लोगों का भरोसा बनाए रखना आपके बिजनेस की सफलता का प्रमुख कारण है। अच्छी सेवा और विश्वास बनाए रखकर आप अपनी पहचान और विश्वसनीयता को मजबूत कर सकते हैं। चतुराई और सूझबूझ से काम करना, धैर्य और प्रबंधन कुशलता
आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान निकालने से पहले पूरी योजना बनाएं और समझदारी से फैसले लें। अक्सर परिवार में विचार भिन्नता हो सकती है, ऐसे में संवाद बनाए रखना और धैर्यपूर्वक सुनना महत्वपूर्ण है। पिता की सलाह में उनका अनुभव छुपा होता है, उसे समझने का प्रयास करें। अपने विचार रखने का तरीका सही हो तो किसी भी प्रकार का मतभेद खत्म हो सकता है। उनकी बातों का महत्व समझते हुए सम्मान पूर्वक अपने विचार व्यक्त करें। परिवार में प्रेम और सहयोग का भाव रखें। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने से रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। दूसरों की भलाई सोचना एक अच्छा गुण है, यह हमें अंदर से संतुष्टि और खुशी देता है। लेकिन हमेशा याद रखें कि मदद सिर्फ सच्ची भावना से होनी चाहिए। कभी कभी लोग आपकी नीयत को समझ नहीं पाते, ऐसे में शांत रहना और अपने काम पर फोकस करना सबसे अच्छा तरीका है। बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। वाहन चलाते समय सुरक्षा सबसे जरूरी है। ध्यान रहे कि वाहन चलाते समय फोन का उपयोग ना करें और सीट बेल्ट जरूर लगाएं। उधार का वाहन कभी कभी बीमा या अन्य नियमों में समस्या का कारण बन सकता है, ऐसे में किसी दुर्घटना की स्थिति में आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हमेशा नियमों का पालन करें और ध्यान रखें कि गाड़ी की स्पीड नियंत्रित रहे। किसी भी आकस्मिक स्थिति में शांत रहना और सही निर्णय लेना आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद होना सामान्य है, इसके कानूनी और सामाजिक पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है ताकि बिना झगड़े के समाधान निकल सके। परिवार में बातचीत और सामंजस्य बना रहना चाहिए। सभी सदस्यों की सहमति से निर्णय लेने से विवादों से बचा जा सकता है। धैर्य और समझदारी से निर्णय लेना परिवार की शांति और खुशहाली के लिए आवश्यक है। आज का दिन आपके लिए समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। आप इधर उधर के कामों को छोड़कर कामकाज में पूरा मन लगाएंगे, जिससे आपके बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा। भाई बहनों की आपसे खूब पटेगी। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा। आज का दिन आपके लिए मनचाही सफलता दिलाने वाला रहेगा। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपकी तरक्की देखकर आपके सहयोगी भी हैरान रहेंगे। आप अपने बॉस की आंखों का तारा बनेंगे, जिससे आपके सभी काम पूरा होने से आपको खुशी होगी। सामाजिक कार्यक्रमों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपका कोई सहयोगी आपको कोई बेवजह की बात बता सकता है, जिस कारण आपको टेंशन रहेगी। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आपकी साख में सम्मान में वृद्धि होगी और यदि आपने किसी से कोई वादा किया तो आपको उसे पूरा करने में कुछ समस्या अवश्य आएगी। आपको कुछ उलझने रहेंगी और आपका कोई पुराना लेन देन चुकता होगा। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उन्हें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उनके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आपको किसी निवेश संबंधी योजना के बारे में पता चल सकता है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग अपने कामों पर पूरा ध्यान दें। आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित यदि कोई समस्या चल रही थी तो आप उसे आसानी से दूर कर सकेंगे। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपको किसी नए मकान या वाहन आदि की खरीदारी करना बेहतर रहेगा, लेकिन आप किसी डील को सोच समझकर फाइनल करें, क्योंकि वह आपकी पेमेंट को रुकवा सकती है। आपको अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। आपके पिताजी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए आज आप बोलने में सावधानी रखें। जी हां, जितना हो सके सोच समझकर ही अपनी बातचीत का लहजा रखें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।